महिलाओं के ऊपर अत्याचार थमने का ही नाम नहीं ले रहा। असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरेआम गुंडागर्दी करने से नहीं चुकते। एक तरफ शासन प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ महिलाओं को पुरुष के बराबरी का दर्जा दे रहे हैं एवं महिलाओं के लिए कई कानून भी लागू की गई है, फिर भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, चाहे वो किसी के साथ रहे। मानसिक यातनाएं सिर्फ महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। 17.5 साल की किशोरी को कठिन दौर से गुजरना पड़ा है। ये पूरा मामला लोरमी से लगे जूनापाड़ा चौकी थाना तखतपुर अंतर्गत ग्राम तेदुआ का है, जहां 17.5 साल के किशोरी की नियमानुसार शादी की उम्र नहीं होने से रीति रिवाज के साथ सगाई लोरमी थाना के ग्राम नथेला पाड़ा में की गई है, जहां किशोरी के होने वाले ससुराल में पूजा अर्चना का कार्यक्रम था। इसी कड़ी में अपने होने वाली पत्नी को लेने युवक नीलराज तेदुआ आया था, जिसे लेकर रात 8:15 के आसपास वापस नथेला पाड़ा जा ही रहा था कि उसी बीच तेदुआ गांव के रहने वाले कौशल केवट पिता पंचू केवट ने अपने एक अन्य साथी के साथ मोटरसाइकिल पर दौड़ाते हुए ओवरटेक कर खपड़ा खोल नगचुई के बीच रोक कर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए जोर जबरदस्ती करने लगा। मंगेतर के द्वारा विरोध करने पर मारपीट करते हुए पास में पड़े बोतल के टुकड़े से किशोरी को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें किशोरी के हाथ में गंभीर चोट आई है। वहीं कोटा मेन रोड की ओर से आ रहे 4-पहिया वाहन को देखकर आरोपी लोग भाग खड़े हुए। जैसे तैसे घर पहुंचकर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी गई। रात अधिक हो जाने के कारण किशोरी ने सुबह अपने परिजनों के साथ जूनापाड़ा चौकी में शिकायत दर्ज कराई, जहाँ उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर भेजे गए। 8:15 बजे घटना था, वहाँ से हम निकले थे करते हमारे नंगचुई तक, नंगचुई से हमारे गाड़ी के आगे आ गए, फिर रुके, मुझे गाड़ी से उतारे जबरदस्ती, कहाँ जा रहे कैसे कर रहे करके बाल बाल को खींचने लगे, हाथ इधर उधर हाथ लगाने लगे। तो मेरे पति जब छुड़ाने की कोशिश की तो उसको काला वाला कर पकड़ के उसे भी धक्का वक्का दे दिए, फिर मैं भी छुड़ा रही थी तो हम लोगों को भी धक्का वक्का दे रही थी, फिर हम लोग कांच का वहीं पड़ा था एक शीशा, तो उसी को पकड़े जान से मारेंगे करके, तो मैं छुड़ाने की कोशिश की तो हाथ पे लग गया मेरे। फिर उधर से 4-पहिया गाड़ी आ रहा था कोटा साइड से, तो फिर वो देखे तो डर के मारे वो लोग भाग गए, फिर मैं भी हाथ को पकड़े पकड़े ब्लड आ रहा था तो गमछे पे लपेटी थी, फिर अपने ससुराल से ही गई जल्दी, फिर वहाँ गई तो फिर पट्टी वट्टी बांध कर आई, फिर सुबह अपने बहुत रात हो गया था, कॉल कर रही थी अपने पापा को तो लग नहीं रहा था, बहुत टाइम में लगा, फिर सुबह वो लोग आए लगे तो फिर ये सब हम लोग। क्या नाम है आपको? संगीता अफसाना। क्या चाह रहे हैं ये भी आप? वो जो मुझसे गलत की उनको सजा दिलवाना चाहिए। बुरी नीयत से आपको पकड़ने आए थे? वही मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी कमलेश्वर मिश्रा ने FIR करते हुए आरोपी की पतासाजी में जुट गई, जहां आरोपी भागने की फिराक में था, जिसे पकड़कर उसके खिलाफ धारा 341, 354, 323, 34 एवं पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की जाने की बात विवेचक की जानकारी देते हुए बताया। 323-34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, साथ में 8 पास्को एक्ट लगाया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी युवक मिल गया है, उससे पूछताछ कर उसका अवैध गिरफ्तारी की जाएगी। लोरमी से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।